एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने में 51 साल लग गए। अमेरिका के जोडियक किलर की पजल को एक्सपर्ट्स की टीम ने आखिरकार हल कर ही दिया। 340 कैरेक्टर के इस मैसेज को हत्यारे ने 51 साल पहले अमेरिकी मीडिया और पुलिस को भेजा था, साल 1969 में। हालांकि इससे हत्यारे की पहचान उजागर नहीं हुई थी, लेकिन इससे उसकी छवि कैसी थी ये पता चलता है। ये कातिल अपने गुप्त संदेशों में ज्योतिषीय प्रतीकों और संदर्भों को शामिल करता था। इस संदेश के भेजने के 50 साल के बाद अमेरिकी क्रिप्टोग्राफर डेविड ओरांचक, ऑस्ट्रेलियाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैम ब्लेक और बेल्जियम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जारल वान ने इसे हल किया है। ये कोड क्रैक करने में टीम को कई साल लग गए। 46 साल के वेब डिजाइनर डेविड ओरांचक ने पहली बार 2006 में जटिल कोड को समझने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करने की कोशिश की। टीम को उम्मीद थी कि संदेश हत्यारे की पहचान का खुलासा करेगा, जबकि उसने बिना अपनी पहचान उजागर की और किसी तरह का क्लू दिए पुलिस पर तंज कसा था। अपने संदेश में हत्यारे ने लिखा था, मुझे लगता है कि आप मुझे पकड़ने की कोशिश में बहुत मजे कर रहे हैं। टीवी शो में मेरे बारे में जो बताया जा रहा है, मैं वो नहीं हूँ। मैं गेस्ट चैम्बर से नहीं डरता हूँ, क्योंकि यह मुझे जल्द से जल्द स्वर्ग भेज देगा। मेरे पास काम करने के लिए पर्याप्त गुलाम है। हत्यारा कौन से टीवी शो की बात कर रहा है ये पता नहीं चल पाया। इसके अलावा उसके मैसेज में लिखे गए पैराडाइज की स्पेलिंग भी अलग है। ऐसे में वह स्वर्ग की बात कर रहा है या किसी और की, यह भी स्पष्ट नहीं हो सका। पहले भी लिखा था मैसेज, हालांकि ये पहला मैसेज नहीं था जिसे जोडियक किलर ने कैलिफोर्निया के अखबार को भेजा था। 1969 में एक स्कूल टीचर और उसकी पत्नी ने इसी तरह के मैसेज को डिकोड किया था। उसने लिखा था कि वह इसलिए हत्याएं करता है क्योंकि इसमें उसे मजा आता है। एक बार फिर उसने गुलामों का जिक्र किया था जिन्हें वह अपने मरने के बाद के लिए तैयार कर रहा था। FBI ने इस पर क्या कहा? FBI की ओर से कहा गया कि पिछले 51 सालों से हमें जनता से कई सोल्यूशन मिले, लेकिन कोई भी सही नहीं निकला। हाल ही में 3 लोगों की टीम ने इसे हल कर दिया है। FBI के सैन फ्रांसिस्को ऑफिस के प्रवक्ता कैमरन पोलन ने कहा कि हमें भी पता चला है कि जोडियक किलर के पजल को कुछ प्राइवेट विशेषज्ञों ने सॉल्व कर लिया है। इस हत्यारे का मामला सैन फ्रांसिस्को FBI डिवीजन और हमारी स्थानीय कानून प्रवर्तक एजेंसियां देख रही हैं। आइए अब जानते हैं कौन था ये हत्यारा। अमेरिका का सीरियल किलर 1970 के दशक में, जिसने सैन फ्रांसिस्को में जमकर तबाही मचाई। हत्याओं और भविष्य की हत्याओं की योजना के बारे में पजल के जरिए अमेरिकी मीडिया को जानकारी देकर लोगों में आतंक फैलाता था। वह चाहता था कि मीडिया में उसकी चर्चा हो, जिससे उसे प्रसिद्धि मिले। पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई। उसने कई बार दावा किया कि पुलिस उसे पकड़ने के काफ़ी करीब थी, लेकिन लापरवाही के कारण उनका ध्यान उस पर नहीं जा सका। उसने एक पत्र में दावा किया था, एक बार पुलिस जब उसके पास पहुंची तो उसने एक बंदूक वाले व्यक्ति के बारे में पुलिस को झूठा बयान दिया। हालांकि अमेरिकी पुलिस का दावा था कि हत्यारे 2 थे। वो हत्या के बाद जांच एजेंसियों को गुमराह करने का काम करते थे। इस मामले में पहला संदिग्ध आर्थर ले मिलर नाम का एक व्यक्ति था, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसे साबित किया जा सके कि वही हत्यारा था। इसके अलावा पुलिस को जिस दूसरे संदिग्ध पर हत्यारा होने का शक था, उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था। जोडियक किलर को पकड़ने के चक्कर में पुलिस ने कई संदिग्धों को मार गिराया था। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।